हेलो दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं यहाँ पे, घर पे ही बैठे हुए हैं बिल्कुल आपकी तरह। कि आप जानते ही हैं माहौल कितना खराब हो गया है, कोरोना वायरस है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब घर पे हो, अगर नहीं हो तो होना चाहिए। और इडली विद आडी तो हो नहीं सकता, पर हम भी घर बैठने वालों में से नहीं है। इसका ये मतलब नहीं हम बाहर जाएंगे। तो आपके लिए हम नया आइटम पेश कर रहे हैं जिसका नाम है बताना चाहता हूँ कि आपने किताब क्यों पढ़नी चाहिए। देखो, पहले तो मैं आपको स्पॉइलर्स नहीं देने वाला हूँ, और सेकेंडली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने यही किताब पढ़नी चाहिए, बट आप शुरू कर सकते हो इससे। क्योंकि देखो, अब आप घर पे हो, हम भी घर पे हैं, 12 से 15 घंटे होते हैं हमारे पास फ्री। और अपनी जनरेशन की जो मैंने एक बात देखी है कि हम 10th स्टैंडर्ड में जितने बुक्स पढ़ते थे, मैंने हैरी पॉटर 10th स्टैंडर्ड में एक दिन में खत्म की थी। मतलब पूरी सीरीज नहीं, पर आई थिंक सेकेंड या थर्ड बुक मैंने एक दिन में खत्म की थी। और वो स्ट्रेंथ तो मेरी बिल्कुल चली गई है। तो वही आदत वापस लाने के लिए मैंने फिर शुरू की है, और मैं सोचता हूँ कि आप भी शुरू करो। ये एक रिकमेंडेशन आप ले सकते हो, या आप कोई और भी किताब पढ़ सकते हो, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। तो रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। ये एक ब्रिटिश ऑथर थे और इन्होंने करीबन 9 बुक्स लिखी थी। तो इनमें से 1984 जो थी वो उनकी लास्ट बुक थी, और ये इंग्लिश में इसे डिस्टोपिया कहते हैं। डिस्टोपिया मतलब, जिसको नहीं पता, बेसिकली एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिनेरियो जहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि जो लोग हैं एक कंट्री के, वो बहुत दुख में हैं, बहुत दर्द में हैं और बहुत कुछ झेल रहे हैं। 1949 में उन्होंने इमेजिन किया था कि 50 साल बाद, 30 साल बाद दुनिया कैसी रहेगी। तो बेसिकली ऐसा दिखाया गया है कि एक कंट्री है कॉल्ड ओशिनिया। ऐसे दिखाया कि सिर्फ 3 कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, ओशिनिया, ईस्ट एशिया और यूरेशिया। तो हमारे जो विंस्टन स्मिथ, वो ओशिनिया के रहने वाले हैं। वहाँ पे एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी गवर्नमेंट दिखाई जो बहुत ओप्रेसिव है, बहुत सर्वेलेंस है वहाँ पे। मतलब वो हमेशा अपने लोगों को देखती रहती है कि वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कुछ भी गलत बात किया तो फिर उन्हें जेल में डाल देते हैं। एक ऐसी दुनिया जब 24/7 आपको कोई ना कोई देखता रहता है, मतलब कहीं से तो भी, ऐसे आपकी कोई भी मतलब बाथरूम में तक भी आप अकेले नहीं होते, ऐसी एक दुनिया 1984 में ऐसी एक दुनिया इमेजिन की है। और ऐसे आपको एक वार्निंग ऑफ सॉर्ट्स दी है कि अगर आपकी डेटा सेफ नहीं रही तो क्या क्या हो सकता है। और अभी आजकल तो डेटा प्राइवेसी की बहुत बातें हो रही है, तो ये बुक अभी भी बहुत रेलेवेंट है, इवन दो ये 60-70 साल पहले लिखी गई थी। ये एक ऐसा बुक है जहाँ पे हमारे हिस्ट्री को भी ऑल्टर करने की बातें होती है। ऐसा कहते हैं कि अब जो पास्ट में हुआ उसे उन लोगों को याद होता है जो वहाँ थे, और हम सब तो बस पढ़ के याद कर सकते हैं। तो कोई गवर्नमेंट अगर चाहे तो सारे रिकॉर्ड्स बदल सकती है, और हमें वही बिलीव करना होगा जो ये बदल रहे हैं। तो एक ऐसा एकदम डरावना सा सिनेरियो डिस्क्राइब करते हैं जॉर्ज ऑरवेल, जो मुझे लगता है अगर आप पढ़ोगे तो आपकी बहुत आंखें खुलेंगी अबाउट लाइफ, अबाउट गवर्नमेंट, और आप एक और भी ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन बनोगे। और ये सारे थॉट्स 1949 जैसे टाइम के थे जो अभी तक 2020 में रेलेवेंट है। तो मैं आपको अर्ज करता हूँ कि आप ये ऐसा बुक पढ़ो जहाँ पे ऐसे एक जगह की बात होती है जहाँ पे सोचना तक भी एक क्राइम होता है। और अब हम जब रियलाइज करते हैं कि हमारे पास इतने सारे फ्रीडम्स है, उस बुक में एक ऐसा भी जिक्र है कि कहते हैं कि फ्रीडम इज स्लेवरी। तो मतलब ऐसे एक सिनेरियो में जहाँ पे कह रहे हैं फ्रीडम इज स्लेवरी, हमको एटलीस्ट अपना फ्रीडम तो भी मिल रहा है बोलने का, इंटरनेट पे रहने का, बातें करने का, बस घर से बाहर निकलने का फ्रीडम नहीं मिल रहा, और इस पे हम इतना रो रहे हैं। बस घर बैठो, 1984 पढ़ो या कोई भी और किताब पढ़ो, पर यार पढ़ो कुछ तो। दोस्तों, ये बुक बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है, तो इसको एक क्लासिक माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसे अपने सिलेबस में भी इंक्लूड करते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते हैं। और ये बुक आपको इजीली पीडीएफ में मिल सकती है। मतलब मैं भी अभी तो कहाँ निकलूंगा पढ़ने, और मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट की थी, तो मैंने इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया अपने किंडल पे। और अगर आपका किंडल नहीं है तो भी बहाने मत दीजिए, आप पीडीएफ फोन पे पढ़ सकते हो या अपने लैपटॉप पे पढ़ सकते हो, रीडिंग मोड तक होता है, आपके आंखों को कुछ नहीं होगा। और हम तो फोन पे ही रहते हैं। बेसिकली कहने का मतलब है, घर रहो, बुक पढ़ो, बस। मैं होप करता हूँ कि आपको ये छोटा सा एक शॉर्ट अच्छा लगा हो, जहाँ पे मैंने बस आपको अपना रिकमेंडेशन दिया और ये छोटी सी एक सिनॉप्सिस भी दे दी। मेरे हिसाब से हर एक इंसान ने बुक डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। तो सून मैं और एक बुक के बारे में आके बात करूंगा जो मुझे लगती है लोगों ने पढ़नी चाहिए। तो तब तक के लिए अलविदा।